शिव महापुराण का आज पांचवा दिन है और आज गुरुग्राम सेक्टर 70 में आयोजित की गई पांच दिवसीय शिव महापुराण कथा का हम आपको लाइव वीडियो दिखा रहे हैं। वह स्टेज, वह दरबार जहां पर पूरा गद्दी लगाई गई थी, पूरा शिव परिवार और 12 ज्योतिषलिंग यहां पर स्थापित किए गए हैं और शिव परिवार के अलग अलग यहाँ पर वो दिए गए हैं। देखेंगे शिव जी, पार्वती और गणेश जी की यह प्रतिमा लगाई गई है और नंदी साथ में दिखाए गए हैं। इसी के साथ में हम आपको दिखाते हैं ये महाकाल जी की भी यहाँ पर एक प्रतिमा लगाई गई, साथ में हनुमान जी और श्री राम जी और कृष्ण जी की भी यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है। यह आप देखेंगे 12 ज्योतिषलिंग जो हमारे शिव जी के प्रतीक ज्योतिषलिंग है वह भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। सभी के अलग अलग नाम दर्शाए गए हैं और मैं आपको बता दूं आज है शिव महापुराण का पांचवा दिन और मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव यहाँ के जो दृश्य है, लाइव तस्वीर, और बने रहे हमारे साथ वीडियो में, हम आपको आगे दिखाते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि आज भी यहाँ पर उतनी ही भीड़, हालांकि कथा को स्थगित कर दिया गया है लेकिन फिर भी यहाँ पर भीड़ और श्रद्धालु बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें आना है, यहीं बैठ कर हमें कथा सुननी है। लेकिन ये आप देखेंगे किस प्रकार से लोग अपने आप ही शिवलिंग बनाकर मिट्टी की और अपना जो भी है वो करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने पूजा पाठ अपना कि हमें तो इसी धरा पे और यही पवित्र जगह पे अपना जो भी पूजा अर्चना यात्रा है वो सारी यहीं पे करनी है और हम पूरा करके ही यहाँ से जाएंगे। आप देखेंगे अभी भी कितनी ज़्यादा अपने यहाँ पर भीड़ है, लोगों को देख रहे हो आप रोते हुए और जयकारे लगाते हुए, कितनी तादाद में अभी भी भीड़ यहाँ पर है। हालांकि कथा को स्थगित कर दिया गया है फिर भी लोग आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा तादाद में सिर्फ गद्दी के दर्शन करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी आस्था का विषय है। ये देखिए कितनी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं क्योंकि रोज लोग आ रहे हैं बहुत दूर दूर से। ये सभी लोग दूर दूर के हैं, यहाँ के आसपास का कोई नहीं है। इनमें जो 3 दिन पहले चल पड़े थे वो लोग हैं, उनको रास्ते में पता चला लेकिन इन्होंने कहा कि हम एक बार दर्शन करके आएंगे, दरबार का मत्था टेक के जरूर आएंगे। और ये सभी वही जितने भी भक्त हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत सारे लाखों लोगों में भक्त वापिस जा चुके हैं और लाखों ही लोग काफ़ी भक्त यहाँ पर आ भी रहे हैं। आपको हमें लाइव यहाँ का तस्वीर दिखा रहे हैं। आज शिव महापुराण का पांचवा दिन है लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था जो बिगड़ी थी बारिश की वजह से वो हम आपको आज भी दिखाते हैं। देखिए कितनी तादाद में बीच में यहाँ पर अभी भी पानी भरा हुआ है, पूरा पंडाल में अभी भी पंडाल में पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। इन्हीं भारी बरसात की वजह से कथा को रद्द कर दिया गया था लेकिन कथा अभी ऑनलाइन स्टार्ट है क्योंकि कथा तो होनी थी, 5 दिन पूरा करने थे तो ऑनलाइन कथा चल रही है। लेकिन यहाँ पर लोग फिर भी बहुत ही तादाद में भीड़ इकट्ठी है और बैठे हुए हैं कि जब तक कथा का पूरा टाइम नहीं हो जाएगा, 5 दिवसीय कथा नहीं हो जाएगी जब तक ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे और यहीं पर अपनी ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं अपने फ़ोनों में यूट्यूब पर। और हम आपको ये लाइव दर्शन दिखा रहे हैं, देखिए कितनी तादाद में भीड़ यहाँ पर आ रहे हैं और ये भव्य दर्शन में हम आपको करा रहे हैं जिसको करने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से। ये आप देखेंगे जो हालात बिगड़ी थी उस दिन, आप देखें कि कितना बुरा हाल हुआ था। अभी भी पानी यहाँ पंडाल में खड़ा हुआ है, अभी भी पानी यहाँ से निकल नहीं पाया क्योंकि पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी और बहुत ही भीषणधार बरसात यहाँ पर हुई थी जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही श्रद्धालुओं की हम बात करें तो अभी भी लोग बहुत ही ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत ही तादाद में लोग यहाँ से जा रहे हैं, मतलब लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। एक बार यहाँ लाइव देख के लोग विश्वास कर रहे हैं कि हाँ ऐसा भी यहाँ पे हुआ है कि कथा को रद्द कर दिया गया है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितनी तादाद में अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं, लोगों को खाना दे रहे हैं और दान पुण्य कर रहे हैं ताकि बहुत दूर दूर से आए हुए लोगों को खाना मिल सके, उनको भोजन मिल सके। मतलब गुरुग्राम के सभी जो सदस्य जो भी लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं अपने अपने घर से लेके आ रहे हैं यहाँ पर जो भी बाटा, ये देखिए किस प्रकार से लोग अपनी पूजा याचना करना स्टार्ट कर दिया है कि अपने जो भी है मन्नत मांग रहे हैं गद्दी के सामने बैठ के। और ये देखिए, और हम आपको फिर से एक और क्लिप दिखा देते हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी लाइव तस्वीर है
आज पांचवा दिन है उसकी, हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं दोस्तों। कितनी तादाद में यहाँ पर भीड़ अभी भी मौजूद है, देखिए लोग बैठे हैं और अपनी अपनी पूजाएं कर रहे हैं कि हमें आज का दिन भी पूरा करना है और फिर हम यहाँ से जाएंगे। जैसे ही यहाँ से कलश वगैरह उठेंगे और लोग यहाँ से जाना स्टार्ट हो जाएंगे। और हम आपको बता दें अभी लास्ट दिन है आज का, और लास्ट दिन में भी काफ़ी तादाद में भीड़ यहाँ पर आ रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं लोग। और ये देखिए हम आपको कितने सुंदर भव्य दर्शन आपको हम करा रहे हैं, और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। हम आपको दिखाते हैं अभी आगे ले जाके कि आज का जो मेन दृश्य है ये आप देखिए सामने, कितना सुंदर भव्य दर्शन। लेकिन कितनी तादाद में अभी भी लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि हालांकि यहाँ पर मना कर दिया गया है कि आप अपने घर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक पाँच दिन पूरे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों की मन्नत मांगी हुई है कि हमें पाँच दिन पंडाल में बैठना है और कथा सुनना है, चाहे वो फ़ोन पर सुने या बाबा के लाइव सुने। बाबा लाइव नहीं है लेकिन टीवी पे और ऑनलाइन है बाबा, तो ये यहीं पर बैठ के अपना ऑनलाइन देख रहे हैं और सुन रहे हैं कथा को। क्योंकि यहाँ पर जितने भी आते हैं भक्तजन वो दुखी भक्तजन होते हैं, अपनी अपनी आस्था को लेके आते हैं हमारे महादेव के चरणों में कि उनकी जो भी पीड़ाएँ वो दूर हो जाएँ। क्या करोगे मिट्टी का? देखिए लोगों ने यहाँ से मिट्टी ले जाना स्टार्ट कर दिया, ये भी एक आस्था का प्रतीक है। जहाँ पर प्रभु का दरबार लगा हो वो जगह पवित्र हो जाता है, हो जाती है। क्या फिर भी कोई ऐसा मानना है हम सबका, वैसे तो हर जगह है प्रभु पर सभी लोगों का अपना अपना ढंग है हमारे प्रभु को पूजने का, उनको मानने का, और सबका अपना अधिकार है। तो ये आप देखिए हम लाइव दरबार आपको दिखा रहे हैं, अभी भी देखिए कितनी तादाद में लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब आप मान नहीं सकते अभी भी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। पीछे तक देखिए पूरा पंडाल भरा हुआ है अभी भी, हालांकि कल यहाँ पर पीछे तक कल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, आज कम है लेकिन फिर भी बहुत ही तादाद है। जबकि कथा यहाँ पर हो नहीं रही है फिर भी इतनी भीड़ आ जाना, क्योंकि पाँच दिन जब तक पूरे नहीं होंगे तो ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आप ये देख पा रहे हैं, देखिए हम आपको कितने सुंदर और भव्य दर्शन हम आपको करा रहे हैं लाइव, ये पूरा हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये मैडम सबसे ज्यादा खुश है, इनके चेहरे पे स्माइल है ये देखो कितना खुश, मतलब कथा यहाँ पे नहीं हुई उसका कोई दुख नहीं है। मतलब बाबा का धोख लगाना था कि हमें गद्दी का देखना है, वो जाने नहीं देंगे वहाँ, क्योंकि एक एक के साथ फिर सारी भीड़ जाएगी। है हाँ कहीं भी है, हर जगह बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। ये हम आपको भव्य दिखा रहे हैं, पीछे देखिए कि दरबार लगा है, भीड़ आ रही है और जा रही है, लोग आ रहे हैं अपनी श्रद्धा यहाँ अपनी पूजा कर रहे हैं और जा रहे हैं। सभी लोगों ने अपने अपनी अलग से पूजा स्टार्ट कर दी है कि बाबा की जो दरबार लगा है उसके सामने अपनी अपनी जो इच्छाएं जो लोग लेके आए थे, अपने अपनी मनोकामनाएं जो लेके आए थे कि बाबा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और हम आपको बता दें बाबा ने वैसे तो गंगा जल छिड़क के सभी को ये साबित कर दिया है कि बाबा यहाँ हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। और ये देखिए अभी भी पंडाल में बारिश का पानी आपको साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ तक आगे तक बिल्कुल पानी आ चुका था, और इसी वजह से कथा को रद्द कर दिया गया। अभी भी पंडाल के अंदर पानी आपको नज़र आ जाएगा,